पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। 18 जनवरी 2003 को हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में हुआ था। वे पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी के बड़े बेटे थे। उन्हें बचपन में प्यार से बच्चन कहा जाता था। इसके कारण ही उन्होंने बाद में अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर बच्चन लगा लिया और इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरिवंश राय बच्चन की कालजयी रचना मधुशाला जब प्रकाशित हुई तब उसे पढ़ने वाले पाठकों को लगा कि इसका रचयिता तो शराब के नशे में चूर रहता होगा, लेकिन असलियत ये नहीं थी। हरिवंश राय बच्चन ने ताउम्र शराब को हाथ तक नहीं लगाया। 18 जनवरी 1952 को दक्षिण भारत के कुख्यात चंदन तस्कर कूज मनु स्वामी वीरप्पन का जन्म कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ था। वीरप्पन ने 100 से अधिक लोगों की जान ली थी, जिसमें 97 पुलिस वाले थे। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद वर्ष 2003 में विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने और उन्होंने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले वीरप्पन को पकड़ने की रणनीति तैयार की। अपनी रणनीति के तहत विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी शामिल करा दिए। इसके एक वर्ष बाद 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन का एनकाउंटर कर दिया गया। यह एनकाउंटर 20 मिनट तक चला था। वीरप्पन ने केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि हाथियों को भी मारा था। बहुत ही कम उम्र में उसने जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ता गया और अपनी गैंग बना ली। उसके बाद वीरप्पन और उसके साथी मिलकर जंगलों से हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ी की तस्करी करने लगे। वीरप्पन के नाम से एक समय पर फिल्म स्टार्स भी घबराने लगे थे। वर्ष 2000 में साउथ के प्रसिद्ध हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा भी किया था। राजकुमार दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के पिता हैं। 18 जनवरी 1896 को पहली बार एक्सरे मशीन को एचएल स्मिथ ने दुनिया के सामने पेश किया था। एक्सरे का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक विलहेम कॉर्नाड रोएंटजेन ने 8 नवंबर 1895 को किया था, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस भी मनाया जाता है।